हेलो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब लोग आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे मंगलमय होंगे तो यहाँ पर मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं पाँच बज चुके हैं चार बजे अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ तो एक घंटा तो लगता ही है घर की थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी होती है डायरेक्ट पूजा पर ही नहा नहीं बैठ जाते हैं तो बस एक घंटा लगता है साफ सफाई खुद खुद नहाओ तो उसमें समय लग जाता है फिर इसके बाद यहाँ पर मेरी जो मॉर्निंग की पूजा है वो स्टार्ट हो चुकी है तो बस यहाँ सारे जो मेरे तुलसा जी हैं आंवला है सारे जो पूजा के पौधे हैं है, इन इनमें जल अर्पित कर रही हूं काफी लोगों का सवाल रहता है कि हम हमारे घर में जो शिवलिंग है उनको कहां रखें आप बेलपत्र के नीचे रख सकते हैं आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं पर छत पर मत रखिए भूल से भी तो बस मेरी यहां पर पूजा स्टार्ट हो गई है काफ़ी लोगों के ये सवाल रहते हैं कि आप इतनी जल्दी उठते हो क्या मिलता है आपको उठने से क्यों इतनी जल्दी उठना आराम से उठो छः बजे पर मैं आपको बताऊँ ना एक दिन आप उठकर देखिए आप चार से पाँच बजे के बीच में आप उठकर देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आने लगेंगे और जो मेरी अभी मैं आपको बताऊँ ना रियलिटी क्यों उठती हूँ अभी जो मेरी स्थिति चल रही है मेरे बैक में जो प्रॉब्लम चल रही है अगर मैंने इस दौरान थोड़ा सा भी आलस कराना कि मैं छः बजे उठूँ या सात बजे तो मेरी प्रॉब्लम वो बढ़ जाएगी मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है जल्दी उठने से तो फ्रेंड जस्ट अभी ना सात बजे है मंदिर से अभी जस्ट आई हूँ जल चढ़ा कर आ गई अब इन लोगों को उठाती हूँ और ये जो धागा देख रहे हैं ना इस धागे के बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं ये दशा माता का धागा होता है तो ये पहना जाता है और साल भर पहनना चाहो तो पहन भी सकते हो उतार के रखो और वहाँ पर जब दशा माता की अगली पूजा आएगी ना तब इसको रख के आ जाए और दूसरा नया मतलब पहनना होता है इस तरीके से होता है तो जब तक पहन रही हो पहन रही हो फिर थोड़े दिन बाद इसको मतलब जो पुराना सा हो जाएगा तो उठा के संभाल के रख दो अब चलते हैं इनको उठाते हैं आज बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजा क्योंकि रात में ना ये लोग लेट आए थे मैच देखने गए थे बच्चे भी गए थे साथ में तो इन्होंने कहा कि स्कूल रहने देना क्योंकि ग्यारह बज गई थी बच्चों को सोने में ग्यारह बजे कहाँ उठाते हैं। तो चलो इनको उठाते हैं। ओ भाई गुड मॉर्निंग कम्बल बंबल ओढ़ के ओ फो। उठ जाओ आठ बज गई।, हाँ। गई दस बज गई दस तो मुँह पे ऐसे क्यों ओढ़ लिया उठो नाइशु अनकू सबसे पहले तो मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ जिससे हमारे रूम में धूप आ जाए थोड़ी सी अभी धूप आएगी थोड़ी देर से देखना आप ये भी पर्दे सारे खोल देती हूँ पूजा की खुशबू आए यहाँ तक भी 嗯。 तो यहाँ पर पापा जी मम्मी जी मिलकर बना रहे हैं ये कुल्लई जो कि मतलब साबुदाने की बनती हैं और एक हैं नंदिता दास जी यानी अनंतता दास जी उन्होंने पूछा है मैम ने कि किस कि तरीके से बनाते हैं पापड़ और ये कुल्लई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आगे मैं दूसरे कामों में लगी रहती हूँ ना तब तक सब कुछ ये घोल घाल के बैठ जाते हैं मम्मी जी पापा जी और तब तक बनाना भी स्टार्ट हो जाता है कभी ले ही नहीं पाती पर बहुत जल्दी आप लोगों को इसकी रेसिपी शेयर करूँगी इतनी नहीं और भी बनेंगे तो यहाँ पर किचन में मैंने ना दूध गर्म होने के लिए रख दिया है तो आज मैं खाना बनाऊँगी खीर पूड़ी सब्जी काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं मतलब घर के ही लोगों को खाना बनाऊँगी तो बस स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज अमावस्या है और इस दिन मैं खीर तो बनाती ही हूँ तो मैंने सोचा कि चलो खीर बना रही हूँ तो पूड़ी सब्जी यही सारी चीज़ें बना लेती हूँ तो यहाँ पर गोभी को साफ कर लेती हूँ इस तरीके से थोड़ा सा झटक लो ना तो जो कीड़े वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं Altyazı और ये जो गोभी की सब्ज़ी है ना ये मुझे सरसों के ही तेल में मतलब बहुत अच्छी लगती है भले आप ये पनीर की सब्ज़ी भले रिफ़ाइंड में बना लो पर ये जो है गोभी की हो गई पत्ता गोभी हो गई ये मुझे सब्जियां सारी रिफाइंड वो सॉरी सरसों के ही तेल में अच्छी लगती है तो ऊपर से सारे जो भरे हुए डिब्बे रहते हैं ना इनको उतार लेती हूँ और जैसा कि आप लोगों को पता है इस दिन में ना जैसे कुछ भी पूजा का खाना बनता है तो ये सारे डिब्बे जो मसालदानी होती है ना इसमें से नहीं लेती हूँ जो बड़े बड़े डिब्बे होते हैं इन्हीं में से ही मसाला लेती हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाल दिया मेथी दाना डाला हरी मिर्च अब यहाँ पर गोभी को मतलब फ्राई कर दूँगी और कम से कम दस से पंद्रह मिनट में ये बन के तैयार हो जाए तो एक तरफ़ ढक दिया है वो बन रही है और यहाँ पर ये यह आलू रखे थे पाँच से छः पहले मैं आपको बता दूँ आपने देखा होगा कि मैंने टीना दी बंटी भैया खाना खाने के लिए बुलाया पहले मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं किसी को बुलाऊं फिर पता नहीं कि अचानक से दिल कर गया कि जब बना ही रही तो कम से कम दो लोगों को खाना ही खिला दूं इसलिए सब चीज़ें मतलब थोड़ी थोड़ी बनाई थी पहले कोई मतलब आइडिया ही नहीं था कि किसी को बुलाऊंगी पर पता नहीं क्यों अंदर से मन कर गया तो फिर बुला लिया और खाना पूरा सबको पड़ गया था ऐसा नहीं कि खाना कम पड़ा फिर इसके बाद मैंने आलू को मैश करके एक तरफ रख दिया आलू की कचौड़ी के लिए क्योंकि अभी नमक डालूंगी ना तो थोड़े से फस जाएंगे फिर यहाँ पर आटा भी लगा कर रख दिया यहाँ पर जो गोभी है इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया एक तरफ उतार के रख दूँगी फिर इसके बाद में खीर में ना चावल भी मैंने डाल दिए हैं दो से ढाई किलो दूध था और फिर इसमें ना काजू हैं और किशमिस है ये सारी चीज़ें ना इसमें ही क्रश करके मैं डाल दूंगी फिर इसके बाद इलायची डाली थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आ, क्या बोलते हैं वो रेड रेड आता है ध्यान नहीं आ रहा अभी मुझे तो वो भी मैंने चीनी के साथ में ऐड किया था हाँ केसर केसर सॉरी केसर भी डाल दिया है के जब भी खीर बनाए केसर जरूर डालें इस माता रानी को बड़ा पसंद होता है केसर तो बस यहाँ पर खीर में डाल दिया है इसके बाद अब जो यहाँ पर मैंने टमाटर उबाले थे आ, ग्रेवी के लिए एक सब्जी तो मेरी बन के रेडी हो चुकी है अब जो दूसरी सब्जी है पनीर की उसके लिए मैंने यहाँ पर देख सकते हैं काजू भिगोकर रख दिए थे टमाटर हैं उनको पीस लिया है जो कि बॉइल करके तो फ्रेंड्स मेरा ना थोड़ा सा फ़ोन हैंग हो रहा है तो जिसकी वजह से वॉइस नोट थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो आप लोग ना एडजस्ट कर लेना प्लीज़ सॉरी तो बस यहाँ पर ना अब पनीर की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और यहाँ पर तीन से चार काली मिर्च हरी इलायची ली है और दालचीनी डाली है हींग थोड़ी सी एक पिंच डाली है तो बस जो हमने पीस के रखी थी ग्रेवी जैसे टमाटर और काजू की तो बस इसमें ऐड कर देंगे पाँच मिनट के लिए उसको छोड़ दिया था तो देख सकते हैं ग्रेवी ने अपना ऑयल छोड़ दिया तो यहाँ पर इसमें डाल देते हैं मसाला जैसे कि धनिया पाउडर सब चीज़ ना कम कम डालो तो ज़्यादा अच्छी लगती है धनिया पाउडर है मिर्च है थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड करी है इसमें तो बस इसको भी अब पाँच मिनट चलने देंगे फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर पिंक सॉल्ट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है तो मैं भी लेकर आई हूँ जो कहते हैं जिसको कहते हैं सेंधा नमक तो वो मैंने इसमें डाल दिया है दो से तीन चम्मच मैंने यहाँ पर मलाई डाल दी है तो मलाई से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली सब्जी है। तो ग्रेवी में पनीर को ऐड कर देंगे इसके बाद कम से कम पाँच मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे इसको ढक के रख दें जिससे जो ग्रेवी है वो पनीर में अच्छे से ऐड हो जाए और यहाँ पर एक तरफ मैं खीर को भी अच्छे से चला दूँगी तो बस यहाँ पर अब ना थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे जिससे थोड़ा सा लिक्विड रहे क्योंकि मेरी ज़्यादा सब्जी नहीं बनाई है दो सब्ज़ी बनाई एक तो ये पनीर की है और दूसरी यहाँ पर गोभी आलू की सब्जी बनाई है तो बस यहाँ पर देख सकते हैं इतनी अभी तो और मैं इसको पाँच मिनट के लिए छोड़ूँगी सिम गैस पे फिर इसके बाद थोड़ा सा मैंने पनीर ना ऐसे क्रश करके डाल दिया हाथ मतलब ऐसे हाथों से ही फिर इसके बाद मैं हरा धनिया डाल दूँगी ऊपर से बस लो हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है खाना मैंने बाहर ही रख दिया है क्योंकि यहीं बिठाल के खिलाऊंगी और यहाँ पर पूरा खाना मेरा कम्प्लीट हो चुका है सैलेड भी मैंने काट के रख दिया है यहाँ पर पूड़ी के लिए मैं आटा यहाँ पर तैयार कर रही हूँ दो आटे लगाए हैं एक थोड़ा सा सॉफ्ट लगाया है आलू की कचौड़ी के लिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और खिलाना भी पसंद है और खुद को भी बड़ा पसंद है आलू की कचौड़ी तो बस यहाँ पर लोई बना कर रख लेती हूँ फिर फटाफट से सेक लूंगी तो यहाँ पर देख सकते हैं पापड़ मैं सेक रही हूँ तो फ्रेंड्स आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आया हो ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को लगता है कि ऐसे ही बन जाते हैं ऐसे नहीं बनते फिर उनकी एडिटिंग करनी पड़ती है कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए कम हमें यह लगता है कि जो हम कर रहे हैं जो हम ब्लॉग बना रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं तो यहाँ पर टीनारि आ गई थी बोली लाओ मैं करवा लेती हूँ पर मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि मैं आज उसको खाना खिला रही हूँ तो मैंने कहा तुम कुछ भी मत करो तो बस यहाँ पर पूड़ियाँ फटाफट से मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ गरम गरम पूड़ियाँ और पूरा खाना कंप्लीट है तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल के ब्लॉग में और ब्लॉग पसंद आया हो जैसे कि मैंने अभी बोला था आप लोगों से कि प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आ जाइए मेरी यूट्यूब फैमिली भी आप लोग भी खाना खाने के लिए तो यहाँ पर भैया भाभी दोनों लोग आ गए थे खाना खाने के लिए तो बस अब इनको लगाती हूँ फटाफट से इनकी थालियाँ और आप लोग कमेंट बताना कि आज जो मैंने खाना बनाया है वो आपको कैसा लग रहा है मतलब कहते ना कि खाने से ज्यादा जो दिखने में अच्छा लगता है ना तो खाने में भी उतना ही अच्छा होता है तो आप लोग कमेंट में बताना देखो हमारे घर में हमारे कॉलोनी के ये पंडित जी दीपक व्यास जी ये उनकी पंडिताइन पंडित व्यास जी और हमारी पंडिताइन बच्चा पार्टी हाँ हाँ तुम्हें भी तुम्हें भी